आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने ही डेट ऑफ बर्थ से अपनी नंबर कुंडली बना सकते हैं। और जी हां, सिर्फ बनाना ही नहीं सिखाऊंगा आपको, उस नंबर कुंडली को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि अपने जो क्वेश्चंस होते हैं या अपने व्यक्तित्व के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको आज आप पूरी तरह से करना सीखेंगे। एक न्यूमरोलॉजिस्ट किस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखता है और किस तरह से उसके जो हिडन मैसेजेस हैं उनके राज आपके सामने खोलता है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का, जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले आपके पास एक पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख के रखें ताकि सबका एनालिसिस एक साथ हो जाए। चलिए आज मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले दो चीजें बता दूं जो आपके पास होनी चाहिए। पहला तो है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा है मूलांक और भाग्यांक पता होना चाहिए आपको। तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको अपनी पता होगी आई होप, मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है ये भी सीख लीजिए। जो आपकी डेट होती है वो आपका मूलांक होता है। अब अगर डेट आपकी सिंगल डिजिट में है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है सिंगल डिजिट की डेट में, तो वही आपका मूलांक हो गया। लेकिन अगर आपका डबल डिजिट की डेट में जन्म हुआ है, लेट्स सपोज 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, तो ये आपका मूलांक हो जाता है। लेकिन डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप किसी महीने के 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 2+8 10 आएगा, 1+0 फिर 1 हो जाएगा, तो मूलांक 1 हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो गया मूलांक निकालने की कैलकुलेशन। अब भाग्यांक कैसे निकालना है, आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है इसको पूरा जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद डबल डिजिट में कोई नंबर आएगा उसको वापस से आपस में जोड़ दीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जो सिंगल डिजिट में नंबर आ गया यही आपका भाग्यांक है। मूलांक भाग्यांक की कैलकुलेशन करना अगर और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे वापस आ जाइएगा, ठीक है। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसे कहते हैं लोशो ग्रिड का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे एक पैटर्न देख रहे होंगे जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 1 से लेकर 9 तक के अलग अलग अंक अलग अलग जगहों पर रखे हैं। इस पूरे ग्रिड में बड़ी ही खास बात है, अगर आप किसी भी रो को ऐड करेंगे, किसी भी कॉलम को ऐड करेंगे, किसी भी डायगोनल को ऐड करेंगे तो आपको नंबर 15 मिलेगा हर जगह से। यही खास बात है इसकी, और भी बहुत सारी खास बात है जो धीरे धीरे हम इस वीडियो में उन राजों को आपके सामने खोलेंगे। अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, ठीक है, जैसे कि 28 दिसंबर 1937। अब इसमें कुछ अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 28 का 2, 8 दिसंबर का 1 एंड 2 और 1937 का 1, 9, 3 एंड 7, ये सारे अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने क्या कहा था आपसे, आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो आ जाएगा 1, 28 से, और भाग्यांक है पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके वो आ जाएगा नंबर 6। तो मूलांक भाग्यांक भी आ गया, डेट भी आ गई मेरे पास, मैंने आपको जो लोशो ग्रेड दिखाई वो भी है हमारे सामने, कहीं ना कहीं आपका 50% काम पूरा हो चुका है। लोशो ग्रिड में कैसे नंबर भरते हैं और नंबर्स की मीनिंग क्या होती है ये सीखने से पहले मैं चाहता हूं हर एक नंबर का मतलब आप समझो। जैसे कि आपकी लोशो ग्रिड में सबसे ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है नंबर 4, इसे राहु रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 4 इस ग्रिड में ये बताता है कि आप अपने जीवन में कितना पैसा, कितना वेल्थ अकुमुलेट करोगे, कितना सेव करोगे, फिक्स डिपॉजिट कितने होंगे आपके, बेसिकली ये नंबर दिखाता है। ये नंबर आपके जीवन में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी दिखाता है, आप हाथों के मामले में, हाथों के काम में कितने प्रखर होंगे ये भी ये नंबर आपको दिखाता है। नंबर 9 आपके जीवन में दिखाता है फायर को, मूल ग्रह मंगल है, एग्रेशन, एग्रेसिवनेस को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही नंबर आपकी उदारता को भी दिखाता है, आप कितना उदार होंगे, कितने फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे, नंबर 9 दिखा रहा है। नंबर 2 दिखा रहा है आपकी सेंसिटिविटी को, इमोशनलनेस को, और आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के प्रति कितना समर्पित होंगे इस चीज को। आगे बढ़े, नंबर 3 दिखाता है आपके जीवन में टीचर्स का महत्व, गुरु का महत्व। ये नंबर आपके जीवन में एजुकेशन भी दिखाता है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर को भी शो करता है। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है इस पूरे ग्रिड का, आप देखोगे कि तो एकदम सेंटर में आके ये नंबर बैठ जाता है। ये आपके जीवन में बैलेंस को दिखाता है, यानी कि इनकम भी अच्छी, दोस्त भी अच्छे, वाइफ भी अच्छी, हस्बैंड भी अच्छे, तो सब तरह का बैलेंस दिखाता है, मनी फ्लो भी दिखाता है, और इसे बुध रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आता है नंबर 7, ये केतु का नंबर है, ये आपकी इंट्यूशन पावर और लाइफ में जो डिससैटिस्फेक्शन होंगी, डिटैचमेंट होंगी, जो मनी के लॉस होंगे उनको शो करता है।
अभी नहीं आ रहा है देखना, चिंता मत करिए, बस लिखते जाइए मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आगे आपको आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। नंबर आठ अब आता है, नंबर आठ आपके जीवन में दिखाता है शनि को, यानी शनि के बिना मनी नहीं है, तो फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी को शो करता है नंबर आठ आपके ग्रिड में। साथ ही साथ नंबर आठ आपके ग्रिड में मेटलिस्टिक चीज़ों को भी शो करता है, जो आईफोन लेने का शौक होता है ना, इसी नंबर की वजह से आता है। नंबर वन आपकी ग्रिड में शो करता है कम्युनिकेशन पावर को, आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे अपने आप को। और अंत में आता है हमारा नंबर सिक्स, और इस कलयुग की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नंबर, शुक्र का नंबर, ये आपकी लाइफ में लग्जरी, साथ ही साथ आप कितना दूसरों को गिव करेंगे, जितना दूसरों की हेल्प करेंगे उनको भी दिखाता है, साथ ही साथ ये आपकी लव मैरिज, प्यार मोहब्बत के मामले को भी संभालता है। तो मोटा मोटा ये नौ नंबर्स इस तरह से आपकी लाइफ में काम करते हैं। अब इसमें बस इतना ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो जो टॉप के नंबर, यानी कि नंबर फोर, नंबर नाइन और नंबर टू, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन, यानी कि अगर ये तीनों नंबर किसी के पास हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्रेन पावर का गजब का धनी होता है, बहुत अच्छी उसकी ब्रेन पावर होती है, वो जीनियस टाइप का इंसान होता है, चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर 3, 5 और 7 का नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में होता है तो ऐसा व्यक्ति दिल का सौदागर होता है, दिल का बादशाह होता है, भोला बादशाह इसे कह सकते हो आप, सारे डिसीजन अपने दिल से लेता है, पहला वाला दिमाग से, दूसरा वाला दिल से। अब 8, 1, 6 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है, यानी कि ये व्यक्ति अब बाल की खाल निकालेगा, हर चीज को इधर से भी देखेगा उधर से भी देखेगा, उसके बाद जाके डिसीजन लेगा, यानी दिल और दिमाग का प्रॉपर बैलेंस 8, 1, 6 आपको देता है। तो इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। तो ये तीन प्लेन मैंने बता दिए, अब तीन प्लेन और सुनिए, वर्टिकल प्लेन्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, 3 और 8 आते हैं, इसे बोला जाता है विजन प्लेन। ऐसा व्यक्ति बहुत विजनरी होता है, ठीक है, ये आगे की सोच के चलता है, यानी कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे सलाह मशवरा जरूर लिया करिए, क्योंकि ये आज की सलाह दे देगा आपको और वो सलाह आपको आने वाले 3, 4 साल, 5 साल बाद फ्रूटफुल हो जाएगी आपके लिए। आगे बढ़े, नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1 का कॉम्बिनेशन ये विल पावर शो करता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास मिल जाता है, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन इस दुनिया में अधिकतर जितने भी रईस लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिल जाता है, अभी कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगा, इसलिए विचलित मत होइए, बस समझते जाइए इन चीजों को। तो नंबर 5, नंबर 9 और नंबर 1 का जो पूरा वर्टिकल प्लेन है आपका, ये विल पावर को शो करता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली जीवन में कितनी बार भी गिर जाए ना, उठ के जरूर खड़ा हो जाता है, हार मान ही नहीं पाता, इसके एटीट्यूड में ही नहीं है वो कि मैं हार जाऊं या मैं बैठ जाऊं या मैं नॉर्मल लाइफ जी लूं, मुझे बड़ी लाइफ जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं पर मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। आगे बढ़े और बात करें, अगर आपकी ग्रिड में नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 है, ये एक्शन प्लेन को दिखाते हैं, यानी कि आप घर का सारा काम करते हैं, यानी कि बेसिकली आप कुछ सोचते हैं तो एक्शन ले लेते हैं, कुछ नहीं सोचते तो भी एक्शन ले लेते हैं, आप डूअर हैं। और ऐसे लोग अक्सर लाइफ में एक्टिव बहुत होते हैं, और एक्टिव होने की वजह से लोग समझ जाते हैं आसपास के कि ये व्यक्ति बड़ी जल्दी काम कर देता है, तो सारा काम इनको दे देते हैं। एक्शन प्लेन का ये मतलब होता है आपकी लाइफ में। तो मैंने ये आपको 6 प्लेन बताए, 2 प्लेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 का। जी हाँ, 4, 5, 6 आपका राजयोग शो करता है, 2, 5 और 8 आपका शो करता है कि सेकंड टाइप का राजयोग है, एक को गोल्डन बोलते हैं, दूसरे को सिल्वर राजयोग बोलते हैं। 2, 5, 8 पे मैंने अभी रिसेंट में वीडियोस बनाया था, आप लोगों ने काफी ज्यादा उससे रिलेट किया, काफी ज्यादा उसे पसंद किया, आई बटन में लिंक है कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 है, नहीं है, कोई दो ही नंबर है या एक नंबर है तो क्या मतलब होता है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को जाके। तो ये होता है हर नंबर का मतलब, ये होता है हर प्लेन का मतलब, ये होता है डायगनल्स का मतलब इस ग्रिड में। अब आपको अपनी ग्रिड बनानी है, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 28 दिसंबर 1937। अब देखिए, मैं शुरू करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से और लेफ्ट से राइट चलूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा 28 का नंबर 2 और मैं ग्रिड में देखूंगा नंबर 2 कहां भरा जाता है, मैं वहां पे नंबर 2 लिख दूंगा। फिर मैं नंबर 8 को देखूंगा ग्रिड में, देखूंगा कहां भरा जाता है, मैं अपनी ग्रिड में भी वहां पे वो नंबर भरूंगा। स्क्रीन पे पूरा पैटर्न आपके चल रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। फिर मैं आऊंगा दिसंबर के 1 पे, फिर मैं 1 भर दूंगा, फिर 2 आया, तो अब देखिए 2 एक ही ग्रिड में नंबर 2 डबल बार आ गया है, इसका भी बड़ा खास मतलब है जो आगे बताऊंगा मैं। तो डबल 2 हो गया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा 1937 में आऊंगा तो फिर 1 आया, फिर मैंने 1 भरा, फिर 9 आया, फिर मैंने 9 भरा, फिर 3 आया तो मैंने 3 वाले कॉलम में भर दिया, फिर 7 आया तो मैंने 7 वाले कॉलम में भर दिया। बस इतना ही काम करना था आपको। अब मूलांक देखिए अपना, और मूलांक भी वहीं पे भर दीजिए जहां पर भरना है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में 28 दिसंबर 1937 में मूलांक 1 है तो मैं 1 को फिर से वहीं भर दूंगा जहां पे मैंने हमारी स्टैंडर्ड ग्रिड में जहां पे नंबर 1 लिखा जाता है। भाग्यांक अब देखूंगा मैं, तो भाग्यांक मैं भर दूंगा नंबर 6 को 6 वाली जगह पे। अब ये ग्रिड पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, अब हमें ऑब्जर्वेशन करना है, अब हमें सीखना है या हमें पढ़ना है इसकी ग्रिड को।
वैसे मैं बता दूं कि ये ग्रिड है रतन टाटा जी की, और रतन टाटा जी का जो नेम नंबर है वो 5 आता है, और रतन टाटा जी का जो नेम नंबर है 5। अब आप देखोगे इनके पास 9 और 1 था, 5 नहीं था, और मैंने अभी 951 बोला कि सारे अमीर लोगों के अंदर होता है, 5 नहीं था इनकी डेट ऑफ बर्थ में, पर इनके नाम का जोड़ने पे नंबर 5 आ गया, तो मैं 5 भी इनकी ग्रिड में भरूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, योर नेम कैन चेंज योर गेम। रतन टाटा जी का नाम इतना शानदार है कि इनकी ग्रिड में आप देखोगे 2 भी था, 5 नहीं था, 8 था, तो अब 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन भी पूरा कर दिया है इस 5 ने, 9, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन भी पूरा कर दिया इस 5 ने, इसलिए दैट इज वाई योर नेम कैन चेंज योर गेम। अब इनकी ग्रिड में आप देखोगे तो 816 भी मिल रहा है, 816 मेटलिस्टिक चीजों को दिखाता है। आप में से जिनके पास 816 होगा आपको महंगी चीजों का शौक होगा, और महंगी चीजें शौक तो मुझे भी आपको मिल जाती है, यस ये दिखाता है ये कॉम्बिनेशन। अब आप अंदाजा लगा सकते हो इस व्यक्ति का ब्रेन पावर कितना अच्छा है और दिल का कितना बड़ा है। देखिए आप ध्यान दीजिए, नंबर 3 भी है, नंबर 5 भी है और नंबर 7 भी है इनकी ग्रिड में, और मैंने कहा था ना ये दिल के बादशाह होते हैं, और रतन टाटा जी का एग्जांपल पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने कितनों की मदद की है, कितनों की मदद की है, कितना अपनी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट है हम लोगों के साथ शेयर किया, कोविड में हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो देखिए एक व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके कितने सारे नेचर्स को खोल के रख देती है। इस तरह से हम अपनी लोशो ग्रिड बनाते हैं, उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं। आप अपनी लोशो ग्रिड जरूर बना के देखिएगा, अपने दोस्तों की, अपने फैमिली मेंबर्स की बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह का पार्ट 2 का वीडियो आप चाहते हो जिसमें मैं कॉम्बिनेशन बताऊं आपको, कि अभी तो मैंने पूरा मेंटल प्लेन बोल दिया कि 4 है, नंबर 9 है, 2 है, तो ऐसा होता है, लेकिन सबके पास नहीं होगा, किसी के पास सिर्फ 2 ही नंबर होंगे या 1 भी नहीं होगा, उसका क्या मतलब होता है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसका क्या मतलब होता है, कोई नंबर मिसिंग है उसका क्या मतलब होता है। अगर ऐसा आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को कैसा कितना रिलेट किया आपने अपनी लाइफ से वो भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 7600 लाइक्स का, जैसे वो लाइक्स पूरे हो जाएंगे मैं इस वीडियो का पार्ट 2 आप सभी के सामने लेकर आ जाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं अरुण पंडित जी से न्यूमरोलॉजी की लाइव क्लासेस करता हूं, मैंने कोर्स परचेज किया है, और मैं आपसे बता नहीं सकता कि कितना डिटेल में और कितना एक्सप्लेनेशन के साथ अरुण पंडित जी न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। वो बहुत बेसिक से चालू करते हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज को कवर करते हैं और ध्यान देते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो आपको न्यूमरोलॉजी घोल के पिला देंगे। और जब आप अपने अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप जब न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो आप उनके एक्सप्लेनेशन और उनके भी एक्सपीरियंस और उनकी मदद से भी आप बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में नया डिस्कवर करते हैं और सीखते हैं, जिससे आप एक बहुत ही ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और अरुण पंडित जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद।